देवास जिले में सार्वजनिक गणेश जी और माता जी के पंडाल स्थापना करने हेतु देवास कलेक्टर को समस्त हिंदू समाज ने एक ज्ञापन सौंपा है। सार्वजनिक स्थानों पर गणेश जी स्थापना करने हेतु देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ल को समस्त हिंदू समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया और प्रशासन को आश्वस्त किया गया कि आपके द्वारा कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ देवेन खन्ना की रिपोर्ट। उपरोक्त विषयांतर्गत अनुरोध है कि आपके द्वारा निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर गणेश जी की स्थापना नहीं की जाएगी। हम जानते हैं कि वर्तमान दौर में कोरोना महामारी को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया है, परंतु हम सनातन धर्म के लोगों की परंपरा वर्षों पुरानी है गणेशोत्सव मनाने की। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके द्वारा दी गई गाइडलाइन के अक्षर का पालन करेंगे। आपसे अनुरोध है कि सार्वजनिक गणेशोत्सव हेतु अनुमति जारी करने का कष्ट करें। भौजी सार्वजनिक संस्था गणेशोत्सव समिति आजाद सावरकर सेवा समिति द्वारा जो हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं का हाथ करने वाला गणेश माता जी पंडाल पर प्रतिबंध पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की जो आदेश दिया गया है उसके खिलाफ दिया गया था। हमारा निवेदन कलेक्टर महोदय से मध्य प्रदेश शासन से यह था कि आप राजनीतिक कार्यक्रम तो पूरी छूट दी जा रही है, कोई सावधानी नहीं हो रही, कोई उसमें रोकटोक नहीं है। और गणेश जी माता जी पंडाल जहाँ सीमित संख्या में लोग मौजूद रहते हैं, अपनी आस्था के लिए लोग आते हैं और उसमें समिति आयोजन समितियाँ होती है जो व्यवस्थित मतलब कार्यक्रम को व्यवस्थित करती है। सोशल डिस्टेंसिंग स्कैनिंग वगैरह सब काम हो सकता है। वहाँ उन कार्यक्रमों को आप कैंसिल करके ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करवा रहे हैं जिनमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई कुछ नहीं होता। तो हमारा कलेक्टर महोदय से और मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन था कि गणेश जी और माता जी पंडाल का स्थापित करने की अनुमति दी जाए। शहर में कल एक न्यूज आई थी शहर से गणेश पांडा मतलब गणेश जी का पांडा नहीं लगाएंगे। एक राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा ये न्यूज चलाई गई थी, तो मैं उस राजनीतिक व्यक्ति के बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि खुद तो गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन जहां आपसे छोटे छोटे आयोजक हैं उनको आप राय दे रहे हैं कि गणेश जी ना दिखाएं, स्कैनिंग नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। तो मेरा अनुरोध है कि आप शहर के बीच में बिठा के खूब सारी संख्या में लोग इकट्ठे कर सकते हो, लेकिन छोटे छोटे आयोजक जहाँ 10, 20, 100, 50 कॉलोनियों में जो संख्या होती है वो नहीं हो तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगी। आपकी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, छोटे छोटे आयोजक अपने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। राहुल रामराज, सामाजिक कार्यकर्ता, देवास। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।